वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइज वेरी वेल। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने लाल तप्पड़। एक साल पहले मैंने जल संस्थान का फॉर्म भरा था जिसमें 131 पद थे। तो अभी 5 दिन पहले ही मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि मतलब आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। तो परसों मैंने एडमिट कार्ड निकाला और आज 20 तारीख है और आज जो है एग्ज़ाम है मेरा। तो लाल तप्पड़ जाना है, गूगल मैप में मैंने चेक कर लिया, लगभग 35 मिनट का रास्ता बता रहा है। तो अभी घर से निकलते हैं और फटाफट से कॉलेज देखते हैं क्योंकि कॉलेज मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो घर से नाश्ता वास्ता करते हैं, अपना तैयार होते हैं। तैयार तो मैं हो ही गया हूँ। तो अभी बज चुके हैं 11 और मेरे को जो वहाँ के टाइमिंग है, मतलब एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है आप 2 बजे तक आ सकते हो, लेकिन मतलब 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 12:30 बजे वहाँ पर बुला रखा है। तो अभी 11 यहीं पर बज गया है, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट से निकलूँ और सीधे निकलते लाल तप्पड़ की तरफ। तो भैया तेल भरवाना है, एटीएम में भी जाना पड़ेगा, पहले एटीएम में पैसे निकालने पड़ेंगे। यार मैंने लेट तो नहीं कर दी? तो भाई जिस कॉलेज में मेरा आज एग्जाम है उस कॉलेज का नाम है विश्व कॉलेज। इस कॉलेज में जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि मैं अपने घर से पहले नेपाली फार्म जाऊं फिर वहां से भाने वाला जाऊं, और दूसरा रास्ता था कि मैं अपने घर से पहले भाने वाला जाऊं फिर नेपाली फार्म की तरफ आऊं। बट मैं नेपाली फार्म वाले रास्ते से जा रहा हूं क्योंकि यहां से नेपाली फार्म है अप्रॉक्स 12 किलोमीटर और नेपाली फार्म से वो कॉलेज है 10 किलोमीटर के अंदर, यानी कि टोटल मेरे को 22 किलोमीटर में मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। लेकिन भाने वाले से अगर मैं जाता हूँ तो काफ़ी मेरे को लंबा पड़ रहा है। यहाँ से भाने वाला 22 किलोमीटर बता रहा है गूगल मैप में और भाने वाले से भी लगभग 10 किलोमीटर अंदर है तो आपका 32 किलोमीटर है। तो मिले नेपाली फार्म वाला रास्ता जो है वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, इसलिए मैं नेपाली फार्म वाले रास्ते से ही जा रहा हूँ। अब कॉलेज में सैनिटाइजर ले जाना भी ज़रूरी हो गया, इसलिए सैनिटाइजर भी ले जा रहा हूँ। एक सैनिटाइजर दे दो छोटा वाला, तो सबसे छोटा होगा वो देना, इससे छोटा नहीं है कोई। कितने गए? सैनिटाइजर भी रखो, ये रखो, वो रखो। तो अभी मैं घुमाने वाला पहुंच रखा हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर है यार अभी। आप यकीन नहीं मानोगे जो ये फ्लाईओवर बन रहा है ना, इस फ्लाईओवर को नहीं तो 10-15 साल तो हो ही गए होंगे और अभी तक पूरा नहीं बना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई नेपाली फार्म में और हमको नेपाली फार्म से ही अंदर कटना है। तो नेपाली फार्म से मैं चले गए हूँ अभी अंदर, ये रास्ता डायरेक्ट देहरादून भी जाता है, तो इसी रूट पे चलते जाना है हमने। अब देखते हैं कहाँ पे होगा। देखो मैं इस रूट पे पहले भी आ चुका हूँ लेकिन बहुत पहले आया था, आज से लगभग 7-8 साल तो हो ही गए होंगे। तो फिर मैं आज आ रहा हूँ, अभी पता नहीं क्या क्या चेंज हो गया होगा यहाँ पे, कितना कुछ हो गया होगा मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ से अभी रहता है 10 किलोमीटर, अब मुझे टाइम पे जाना है यार, 12:30 होने वाली है। सही है यार ये रूट भी, मैंने गूगल मैप में चेक किया भाने वाले से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ से अप्रोक्स 8-7 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा था, तो मैंने सोचा इधर से ही चलता हूँ। आई डोंट नो कितनी दूर है कॉलेज, मार्केट तो है लेकिन विश्व कॉलेज कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये है छिद्र वाला, अभी चेक करते हैं कितनी दूर है कॉलेज। तो 9 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से, तो बहुत टाइम बाद देखा है छिद्र वाला। वैसे सही जगह है, ऐसी बात नहीं है, खाली है। ये देखो यहाँ तो दुकानें भी बनने लगी, मतलब सही मार्केट बन रहा है यहाँ पे, खेती है यहाँ पे लोगों की। चलो अभी निकलेंगे फट से, हमको जल्दी जाना है बाप, पेपर ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई सा मंदिर आया, एक मंदिर तो आया ये है। अम्बाला भी इसी रास्ते से जाते हैं क्या?
जब मैं गूगल मैप पे चेक कर रहा था ना, तो इस वाले रूट में मंदिर काफ़ी सारे हैं यार। मतलब आप लोग चलो कि 8 किलोमीटर की रेंज में 3-4 मंदिर हैं। एक साई मंदिर था, एक कोई माता का मंदिर था, अलग अलग मंदिर थे। ये कौन सा क्या है ये? ये तो होटल है। उस होटल का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा था, मेरे को लगा कॉलेज ना, जगन्नाथ विश्व कॉलेज यहाँ से अंदर है भैया। सुनसान इलाके में यार कॉलेज। देखो अभी तक हाईवे चल रहा था मेन, अभी आप कैसी जगह आ गए हो? सुनसान इलाका है ना, खेती बहुत ज़्यादा है यार यहाँ। ओ भाई साहब, गन्ने की कटाई, इधर खेत उधर खेत, बीच में रास्ता। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी पंजाब में नहीं रहता, कुछ ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे। अरे इधर तो कब्रिस्तान भी है, ये क्या अमर ज्योति स्कूल। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कॉलेज के बाहर पे। एज यू कैन सी ये गेट है। अभी 12:30 तो नहीं हुआ है, 12:15 हुआ है, मतलब टाइम पे मैं पहुंच गया, ये अच्छी बात है। और मेन हाईवे से अप्रॉक्स लगा के चलो आप 10 मिनट दूर पे होगा। एक तो चश्मा नहीं पहना हुआ ना, तो आँखें सारी बंद हो रही है, सामने से ही लाइट पड़ रही है। तो ये वो कॉलेज है जहाँ पर मैंने एग्ज़ाम देने आना था, और इस तरफ से गेट है एज यू कैन सी। तो यहीं से एंट्री होती है, और कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है मेन बिल्डिंग जो है उस तरफ है। 12:30 बजे का यहाँ पर एंट्री थी, 12:30 बजे तक मेरे को आना था। मतलब हमसे पहले भी यहाँ पे पेपर चल रहा था, यानी कि मतलब 8 बजे से भी पेपर था, और उसके बाद जो पहले पेपर देने गए थे वो भी बाहर आ गए हैं। अब हमारी बारी है, 12:30 बजे हम निकल जाएंगे। बाकी सैनिटाइज़र वगैरह मास्क वगैरह हमारे पास है ही। तो बाइक मैंने जो अपनी वहाँ पे पार्क की हुई है, और कुछ लोग यहाँ पे पहले से ही हैं, कोई कार में है, कोई बाइक में है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से आ रखे हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 2 बजे से है, तो 12:30 से 2 बजे तक क्या होगा इसका मेरे को भी नहीं पता। मेरा कैमरा वगैरह वो भारी रहेगा बैग में, क्योंकि वो अंदर ले जाना तो अलाव होगा नहीं। एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको 2 घंटे बाद। तो गाइज आ गया हूँ मैं बाहर, 4 बज गए हैं और एग्ज़ाम ओवर हो गया है। 2 घंटे का मेरा एग्ज़ाम था, तो आधा घंटे उन्होंने एक्स्ट्रा भी रुका के रखा, अभी 5 बज गई है। मतलब लगा कि चलो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा रुका के रखा है इन्होंने, और पता नहीं वो कंप्यूटराइज जो है एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, सबके अटेंडेंस वगैरह उनको सबमिट करनी होती है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो एग्ज़ाम जो है वो ठीक ठाक रहा। गाड़ी मेरी यहाँ पर है, आपको देखो कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि सबके सब निकल गए। मेरा तो दूसरी बार कंप्यूटराइज जो है एग्ज़ाम दे रहा हूँ, वैसे मैं ऑफलाइन ही देता था, मेरे नोटिफिकेशन भी आने लग गया क्योंकि अभी मोबाइल डाटा ऑन किया है। तो गाइस देख रहे हो आप, जैसे पूरा फील्ड जो है वो पूरा खाली हो गया, मैं ही यहाँ पे अकेला हूँ, और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं फटाफट से निकलता हूँ घर की तरफ, मिलेंगे आपको घर में। थोड़ी जो भी डिटेल अगर बची होगी मैं आपको घर में बता दूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या था। तो गाइस कल कॉलेज से घर आते आते रात हो गई थी, उसके बाद का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप एग्ज़ाम के बारे में आपको बताता हूँ क्या क्या सीन था। तो देखो वैसे एग्ज़ाम तो वैसे ही होता है जैसे नॉर्मली होते हैं हर जगह पर, बट थोड़ा 2-3 बार चेकिंग हुई कोविड को लेकर भी, और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको लेकर भी। जिस कॉलेज में मैं गया था वो कॉलेज अभी बन ही रहा था, मतलब ये लगा के चलो आपकी कुछ काम उस पर बाकी था, कहीं भी फर्श में टाइलिंग वगैरह बाकी थी, अब बिजली की तारें लटक रही थी। तो मतलब काफ़ी टाइम बाद गया मैं कंप्यूटराइज पेपर देने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या आप सैनिटाइज़र मास्क वगैरह ले जाते हो। तो अभी इससे पहले जब मैं एग्ज़ाम देने गया था वहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि उस समय कोरोना का सीन नहीं चल रहा था, लेकिन अभी सैनिटाइज़र मास्क ये सब कुछ ले जाना पड़ रहा है। 2 से 4 बजे तक हमारा एग्ज़ाम हुआ, 4 बजे के बाद भी मतलब आधा या 1 घंटा लगा के चलो आप, आधा 1 घंटा भी उन्होंने वेट करवा के रखा, क्योंकि एग्ज़ाम को सबमिट करने में मतलब सबके अटेंडेंस जो प्रोग्राम को सबमिट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आधा 1 घंटा हमने वहाँ पर भी वेट किया।
तो घर से काफ़ी दूर था, तो आते आते रात हो गई और रात आने के बाद मैं थक गया था, तो मैंने बोला चलो अब नेक्स्ट दिन शूट करूँगा, तो ये अगला दिन है। और बस ऐसा ही था कुछ मेरा ये दिन, और यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम था, तो एक छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों के सामने। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।